तो आज तक हमने साइड में पंच होल देखा, मिड में पंच होल देखा, पॉपअप कैमरास, रोटेटिंग पॉपअप कैमरा, काफी सारे कैमरास देखे हैं, बट ये फोन कुछ अलग के साथ आता है। ये है ZTE Axon 40 Ultra स्मार्टफोन एंड ये हमने भारगांव से मंगाया है। तो इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे एंड ये काफी ज्यादा यूनिक फोन है क्योंकि इसके अंदर मिलता है, वो तो आपको आगे पता चलेगा ना। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो इस ब्लैक बॉक्स को अनबॉक्स करने का टाइम आ चुका है। वो ऊपर की तरफ ही फोन मिल गया है यहाँ पर, और भाई क्या इन हैंड फील दे रहा है, पतला सा लग रहा है फोन। यहाँ पर जो डिजाइन है और फिनिशिंग है काफी सही लग रही है, मतलब मेरे पास S22 अल्ट्रा भी है, अल्ट्रा की जो विड्थ है ना इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इस वजह से काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है अल्ट्रा से भी। बाकी यहाँ पर इसे साइड करते हैं, अभी देखते हैं बॉक्स में और क्या है। आई थिंक यहाँ कवर है, यस यहाँ कवर है, यूजर मैनुअल एंड सिम इजेक्टर टूल। एंड ये फोन सपोर्ट करता है 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, तो यहाँ पर 65 वोल्ट का ही चार्जर आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट के साथ, और यहाँ पर टाइप सी टू 3.5 mm जैक अडेप्टर दिया है, और इसके अंदर केबल दी गई है चार्जिंग के लिए। ओ भाई, इसमें आप नहीं बता सकते फ्रंट कैमरा है कहाँ, इसमें पंच होल ही नहीं है, बट फ्रंट कैमरा है। अब यहाँ पर ना अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया है इस फोन के अंदर। अभी आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई सैमसंग फोल्ड के अंदर भी तो मिलता है अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर, एक मिनट, अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर, तो यहाँ पर ना पिक्सेलेशन दिख जाती है, बट इसके अंदर पिक्सेलेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रही क्योंकि कैमरे के ऊपर जो पिक्सल्स यूज करें श्रिंक्ड पिक्सल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि पंच होल है कहाँ पर। बाकी इससे पहले मैंने एक फोन और टेस्ट किया था, Xiaomi का Mi Mix 4th, आई गेस उसमें भी अंडर डिस्प्ले कैमरा था एंड वहां पर भी पिक्सेलेशन थोड़ी बहुत दिख जाती थी, लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि पंच होल है कहाँ, तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बाकी इसे टेस्ट करते हैं इसका कैमरा कैसा वर्क करता है। अब इसका कैमरा ओपन करके देखते हैं फ्रंट का, अरे कहाँ घूम गया, वही प्रॉब्लम, मतलब काफी सारी लेयर्स हैं जिसकी वजह से काफी ब्लरी आ रही है, तो क्लिक करके देखते हैं। तो क्लिक तो हो गई, यहाँ पर प्रोसेसिंग में तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, अब यहाँ पर आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पर भाई बैक लाइट देखो पूरी चमका दी है इसने, और बिल्कुल भी डिटेल नहीं है इसमें। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है अंडर डिस्प्ले, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है इंडोर के अंदर, बट आउटडोर के अंदर टेस्ट करते हैं कैसा है। तो इसके फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा हमने टेस्ट कर लिया आउटडोर में, और फ्रंट कैमरा के साथ भाई सीन सेम है। यहाँ पर जो क्वालिटी है इसकी काफी ज्यादा फोगी फोगी एंड आर्टिफिशियल लगती है इसकी इमेजेस, हालांकि ये फोन अगर देखो तो 80,000 रुपए में आएगा इंडिया के अंदर अगर आया तो। एंड यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी उसमें भी सेम ही रिजल्ट्स मिले हैं। बाकी मैंने एक चीज और नोट करी, लाइक अगर आप हार्श लाइट में फोटो कैप्चर कर लोगे तो इसका AI भी काम नहीं करता, मतलब पूरा स्किन चमका देता है। बाकी इसके बैक कैमरास भाई इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, इसमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, सारी कैमरा 64 मेगापिक्सल के साथ आते हैं। एंड इसके मेन कैमरा की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी मुझे, यहाँ पर शार्पनेस, लाइट कंट्रोल, कलर्स बहुत ही कमाल के हैं। एंड मैंने इसमें ना विदाउट पोर्ट्रेट मोड फोटो कैप्चर करी एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ, दोनों में जो डेप्थ मिली है ना वो काफी अल्टीमेट है। विदाउट पोर्ट्रेट मोड भी लगता है पोर्ट्रेट मोड लगा के फोटो कैप्चर करी, और इंडोर के अंदर भी हमने कुछ फोटोज क्लिक करी थी सेम रिजल्ट से, डिटेल में कोई लॉस नहीं मिला। एंड इसके कैमरास बहुत ही कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं मेन वाले, एंड अल्ट्रा वाइड भी भाई काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर डायनेमिक रेंज डिटेल्स कमाल की मिली, कलर्स भी अच्छे थे। बट यहाँ पर जो आपको पेरिस्कोप कैमरा सेंसर दिया है इसमें 40x डिजिटल जूम के साथ, इसमें मेरे को कमी लगी, यहाँ पर इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं और डिटेल भी काफी कमजोर लगी। बाकी ऑल ओवर इसके दो कैमरास बहुत ही कमाल के परफॉर्म कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हमने फोन मंगाया था इसके अंडर डिस्प्ले कैमरे को टेस्ट करने के लिए, मैंने जितने भी अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर वाले फोन यूज करे ना उसमें सबसे ज्यादा फाइन यही है, और ये लेटेस्ट जनरेशन है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सेल्फी कैमरा बिल्कुल भी काम का नहीं रहता, और अभी भी ये शिकायत है इस फोन के साथ। बाकी इसमें एक एडवांटेज यही है कि इसकी वजह से फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है डिस्प्ले का, और यहाँ पर पिक्सेलेशन ना दिखने की वजह से जो कॉन्टेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है इस डिस्प्ले का वो काफी कमाल का है, और इसमें कर्व भी ना मेरे को बिल्कुल मस्त लगा। बट इसकी एक प्रॉब्लम भी है फोन की, जैसे आप इसे आउटडोर ले जाओगे तो मेजरली ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है, और इसके पीछे रीजन ये भी है कि इसके अंदर 8th Gen 1 प्रोसेसर दिया है। अब ये प्रोसेसर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब आपको पता ही होगा, हमने बताया था कि नॉर्मल टास्क में भी जो प्रोसेसर है वो हीट होने स्टार्ट हो जाता है, और इस फोन के साथ भी सेम ही सीन है। एक तो जैसे आप आउटडोर में 5-6 फोटो भी क्लिक करोगे जब भी भाई ये कैमरा साइड से ना फोन हीट होने स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोसेसर। दूसरा, अगर आप इसमें हैवी टास्क करोगे लाइक गेमिंग करोगे तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट यहाँ पर ये फोन फिर से हीट होने स्टार्ट हो जाता है। एक मैच ही खेला था हमने और ये अच्छा खासा हीट हो गया था, हमने तो ऐसे चुपचाप रख दिया था फोन कहीं फट ना जाए। आगे यहाँ पर जो इस फोन का स्कोर है वो 8th Gen 1 वाले ही है, बट इसके अंदर मस्त हीटिंग इश्यूज मिल जाते हैं नॉर्मल और हैवी टास्क में। और इसका जो UI एक्सपीरियंस है ना वो काफी मिक्स है, इसके अंदर कलर OS के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, और MIUX आता था ना Motorola के पुराने फोन में, वैसी सी थीम दी गई है इस फोन के अंदर, जिसकी वजह से ना ये फोन Android 12 पे होने के बाद भी काफी पुरानी वाली फील देता है। तो यहाँ पर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा इसका UI, हालांकि इसके UI का नाम बताऊं तो MIUX दिया गया, बट ये हमारा OS नहीं है। इसके UI की वजह से जो इसके फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है वो काफी ज्यादा थकेली है, और जैसे कि हम ब्रांड से बोलते हैं ना कि भाई फिंगरप्रिंट थोड़ा सा ऊपर दो
थोड़ा सा ऊपर दो, तो इस ब्रांड ने कुछ ज्यादा सुन लिया और इसे सातवें माले पर ले गए हैं। ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और दूसरे इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स तो दिए गए हैं बट काफी फ्लैट साउंड करते हैं, मैं एवरेज बोलूंगा इस प्राइस के हिसाब से। बाकी इसके हैप्टिक्स भाई काफी लाजवाब लगे, वेरिएशन अच्छी मिलती है और दमदार हैप्टिक्स हैं। और इस फोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी, इतना पतला सा फोन है उसके बाद 5000 mAh की बैटरी इसमें डाल दी गई है एंड ये 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाकी बैटरी बैकअप तो इसका काफी सही लग रहा है मेरे को। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। ये फोन हमने मेनली जो कवर किया है वो इसके अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर की वजह से करा है, काफी यूनिक सा लग रहा था तो हमने अपने चैनल पर यूनिक चीजें अनबॉक्स करनी स्टार्ट कर दी है। अगर आपको भी ऐसा कोई फोन पता है जो यूनिक है और आप चाहते हैं हमारे चैनल पर अनबॉक्स किया जाए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलती है अंदर से। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट विल सिट विद द एचएफवी अनबॉक्स गाइस, बाय।